आओ बच्चों, आज हम क्लास सिक्स की वर्कशीट 25 करेंगे और इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं भोजन के घटक। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। आपने देखा कि अलग अलग जीव जंतुओं की जो शरीर की संरचना है या उनका पाचन तंत्र है, उसके आधार पर वो अपना भोजन खाते हैं। जैसे गाय है, घास खाती है, मनुष्य साग सब्जियाँ भी खाते हैं और साथ में मीट भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। तो उनकी आदतों के अनुसार से उन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो जीव होते हैं जो सिर्फ शाक खाते हैं, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ही निर्भर करते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, दूसरी सब्जियां। मांसाहारी वो जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, ये मांस खाने वाले जीव हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जीव जंतु वो जो हरे पत्तों वाली सब्जियां या पेड़ पौधे खाते हैं, उनसे मिलने वाले उत्पाद खाते हैं या मांस दोनों ही खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न यही है कि आपको कुछ जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, उनको उनके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ भी इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो जंतुओं को चित्रों के द्वारा उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार से मिलाना है कि कौन जीव क्या खाता है, और उस भोजन के आदतों के आधार पर उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के रूप में बांटना है। जैसे अगर मैं लूँ मनुष्य, मनुष्य क्या खाएगा, ये जितना भी है अगर मैं इसको मैच करती हूँ कि मनुष्य ये चीज़ खाने वाले हैं, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें सर्वाहारी भी, ये इसका मतलब मनुष्य मीट भी खाता है, ब्रेड भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, बहुत सारे हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं। तो इसको अगर मनुष्य को मैं किस कैटेगरी में डालना चाहेंगे, सर्वाहारी, क्योंकि वो मांस भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाई जाती हैं, हर तरह की चीज़ उसमें खा लेते हैं। अब जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है वो नेक्टर लेती है पोलन से, वो सिर्फ शाकाहारी है, यहाँ पर आ जाएगा शाकाहारी। आपको मिलान करने के बाद उसको कैटेगरी करना है कि किस तरह का जंतु है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्पैरो। अगर हम स्पैरो की बात करें तो स्पैरो क्या करती है, दाना चुगती है, तो यहाँ पे स्पैरो है वो दाने, ग्रेन खाती है, तो वो भी क्या है, शाकाहारी। अगर ग्रेन खाती है प्योर, तो शाकाहारी है। लायन है वो क्या करते हैं, मीट के ऊपर डिपेंड करता है, मांसाहारी है वो सिर्फ, मांसाहारी। और बफेलो है वो खाती है ग्रास, तो वो भी क्या है, शाकाहारी। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है और उनको कैटेगराइज करना है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर ये जीव आती है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 25 फॉर द क्लास सिक्स एंड दिस इज़ अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एंड इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट, यू हैव टू राइट इट हेयर 25 वर्कशीट। And you know, very different living organisms consume different types of the food based upon their body structure and digestive system. And according to their eating habits, they are classified as herbivores, which eat herbs, maybe in the form of plants. And carnivores are those which eat only meat. And omnivores are those which eat plants and animals both. So below given some pictures are given, and you have to match the different types of the food they consume and classify them into herbivores and carnivore or omnivore on the basis of their food habits. So human beings are matched with this food because there are different types of the food, even the plants, animals, meat, all these things are eaten by the living human being. So it is categorized into omnivores, which eat both plants and animals. And this is the butterfly, which also consume nectar only, so it is categorized into herbivores. So you have to write here herbivores, as well as this sparrow, which also eats some seeds, and on the basis of their food habit they are categorized into herbivores. It eats some corns or different grains, so it is also categorized as herbivores. And the lion eat meat, so it is known as carnivores. It can be written as carnivores. You can write here carnivores. And the buffalo or the cow eat grass, so this buffalo is categorized as which eat only plant, that is called herbivores.
सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड स्ट्रक्चर फूड हैबिट्स दे कैन बी कैटेगराइज. यू हैव टू मैच देम फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड देन आइडेंटिफाई इन विच कैटेगरी दे लाई. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड एंड देयर कैटेगराइजेशन इन टू हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमिनिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स. कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान. थैंक यू सो मच.